लंबाई 6 फुट 1 इंच, वजन 193 पाउंड, अमेरिकी नागरिक, समय 6 महीने और तुम्हारे पास 48 घंटे हैं कनाडा से बाहर निकलने के लिए। Una firma, prego. Ah, te la prendi piuttosto comoda, mi sembra. Cos'è? Non ti piace più la libertà? Come no. Ma per me siete diventati una seconda famiglia. È un dolore lasciarvi. उन्होंने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। मुझे नहीं चाहिए, मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। तुम तैयार हो? तुम चाहे मत जाओ, मगर याद तो रखो। ठीक है ठीक है, पर तैयार तो हो ना? सब कुछ लाए हो ना? पीछे किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मारा जाएगा। तुम उस तरफ जाओ, उस तरफ, और तुम तिजोरी की तरफ चलो। चलो भाई, चलो तिजोरी को खोलो, जल्दी खोलो।
खोलो, साइड हो जाओ। कोई आ रहा है। जो कोई आ रहा है। आने दो, तुम दीवार के पास खड़े रहो। अरे तुम्हें जो पसंद आएगा वो ले लेना, ठीक है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, दीवार से चिपक के खड़े रहो, गोली चलाओ, गोली चलाओ फ्लॉयड। पुलिस, पुलिस, बचाओ, बचाओ। तुमने उसे गोली क्यों मारी? तुम जो गोली नहीं चला रहे थे, खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे थे? तुमने मुझे बताया नहीं था कि पैसों के लिए ये सब भी करना पड़ेगा। हाँ, ये सब होते रहता। तुम ज्यादा मत सोचो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। भूल जाओ सर। क्या वो मर गया होगा? क्या फर्क पड़ता, तुम बस गाड़ी चलाओ। चला ही तो रहा हूं। अरे ठीक से गाड़ी चलाओ। वो हमारे पीछे हैं। उनसे पीछा छुड़ाओ, हाईवे से जाना बेहतर होगा। वो बिल्कुल हमारे पीछे हैं। उतरकर उनको मारते हैं। बकवास मत करो। वो अभी भी पीछे आ रहे हैं। Meglio affresco che morti. Non siamo a New York, qui la polizia non spara. Basta non farci sorpassare. Cancello è chiuso. Ti vengono addosso.
यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर आगे पोर्ट के सामने जो माउंट रोड है वहीं वो आएगा। वहां पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, एक छोटा सा चेक पोस्ट है जहां पर ट्रक में भरा हुआ माल चेक किया जाता है। वहां पर कोई भी छोटी गाड़ियों को नहीं रोका जाता है और ना ही देश से निकाले हुए आदमियों पर वो भरोसा करते हैं। जाने से पहले इस मैप को ध्यान से देख लेना। मैं जानता हूं कि क्या करना है। मैं इसी महीने में एडवांस भी ले लूंगा और तुम्हारा हिस्सा तैयार रखूंगा। चलो अब रात को मिलते हैं। सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं कितना मिल सकता है? उसके बारे में अभी मत सोचो। एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा, लेकिन दो आदमियों के लिए काफी होगा। जब रात में हम मिलेंगे तो मुझे तुम्हारे हाथ में हीरे दिखने चाहिए। लगता है कि तुम आग से खेलने का सोच रहे हो और मुझे बारूद बेहद पसंद है। इसे भी अभी खराब होना था, किस्मत ही खराब है।
तो वो तुम्हारी गाड़ी लेकर आने वाले हैं। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा सबसे बढ़िया खाना खाने का। जानते हो मुझे कैसे पता? बताइए कैसे? क्योंकि मैं खुद बनाने वाला हूं। सुनकर अच्छा लगा, मगर मैं बियर लूंगा। जैसा तुम चाहो। मरियम, इन्हें एक बियर दो। शुक्रिया। यू वेलकम। काले रंग की शेवी गाड़ी आपकी है? कमाल है, बहुत बढ़िया खराब की आपने। आपको बताने आया हूं कि उसमें काफी डैमेज है, उसे ठीक करने में काफी खर्चा आएगा। मुझे न्यूपोर्ट पहुंचना है। तीन पहियों पे जाएंगे। ओके, कितना समय लगेगा इसमें? मुझे कुछ पार्ट्स नए लगाने पड़ेंगे। काफी पुरानी गाड़ी है आपकी, कल से पहले तो बनाकर नहीं दे पाऊंगा सर। ये तो बुरी खबर है, मुझे आज रात न्यूपोर्ट पहुंचना ही था। आप ठीक करवाना चाहते हैं या नहीं? जरूरत पड़ने पर पूरी रात काम करो, मुझे यहां से जितना जल्दी हो सके निकलना है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे किराए पर कार कहां से मिल सकती है? मुझे नहीं पता, मेरे मालकिन को पता होगा। वो कहां मिलेंगी? वो उधर है। मैम, क्या आप मुझे बता सकती हैं किराए पर कार कहां पर मिलेगी? शहर में एक आदमी है जिसकी एजेंसी है, आप चाहो तो मैं आपको उसका फोन नंबर दे सकती हूं, अगर आप एक मिनट इंतजार करो। माफ कीजिएगा, मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं? ये प्रोग्राम काफी मजेदार है। जहाँ एक और पूरा यही एक चीज हम टीवी पर देखना पसंद करते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहा, वहीं दूसरी ओर चोरी की एक वारदात भी सामने आई। दुकानदार के मुताबिक दो नकाबपोश चोरों ने दुकान में लूट की। चश्मदीदों ने बताया कि दोनों आदमियों ने चेहरे ढके हुए थे। जहाँ एक ने सबको बंदूक की नोक पर डरा कर रखा हुआ था, वहीं दूसरा तिजोरी खोल रहा था। एक शख्स पुलिस को आगाह करते वक्त जख्मी हो गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो आइए आपको दिखाते हैं वारदात का फुटेज, जो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। कृपया ध्यान से देखिए। हो सकता है आप अपराधी को पहचान लें। यह शख्स जिसने नकाब पहना है, इसकी लंबाई तकरीबन 6 फीट है और इसका वजन तकरीबन 180 पाउंड्स है। यहां एक बात पर ध्यान दीजिए, दाईं तरफ खड़ा शख्स दाएं हाथ में बंदूक पकड़े खड़ा है। और उसने जो दाहिने हाथ में घड़ी पहन रखी है, वो बहुत ही अजीब है। दूसरा शख्स 5 फीट 9 इंच का है और वजन तकरीबन 175 पाउंड्स है। पुलिस का कहना है कि ये चोर पेशेवर है। और इनमें से एक अमेरिका सीमा की तरफ भागा है। यहां हुआ सबसे दर्दनाक वाकया, जब एक चोर ने दूसरे को इशारा करते हुए बताया कि एक दंपत्ति दुकान की तरफ आ रहे हैं। दूसरे चोर ने अपनी बंदूक तानकर दोनों को डराने की कोशिश की, जहां घायल हुए शख्स ने दरवाजा चोरों के मुंह पर बंद कर दिया और बाहर जाने की कोशिश में वो और घायल हो गया। पुलिस ने $10,000 का इनाम रखा है इन दोनों शख्सों की सूचना देने पर।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर मार्केट में आज ठहराव देखने को मिला। मैं शहर की तरफ जा रही हूँ घर के लिए कुछ सामान लेने, तुम मेरे साथ आ सकते हो? जी बिल्कुल, अच्छा सुझाव है। पैसे ले जाना मत भूलना और कोशिश करना कि ज्यादा देर ना लगे। नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हे मिशेल, क्या तुम पेरिशन की दुकान से एक नया शॉकर ले आओगी शेवी 664 मॉडल के लिए? वो मैं कुछ भूल गया अंदर। हेलो आल, सुनो। ओ हाय, हाय एमिली, अच्छा हुआ तुम मिल गई। देखो मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लाया हूँ। मजाक कर रहे हो ना? जरा ब्रेक्स भी देख लेना। ठीक है। यार सुबह ही आया है, कुछ अजीब सा लग रहा है। गुड मॉर्निंग मिशेल। मुझे रिपोर्ट जाने के लिए एक कार चाहिए, आपके पास है क्या? इन्हें सिर्फ कल तक के लिए ही चाहिए। माफ कीजिएगा, आज मेरे पास कोई कार नहीं है, आप कल सुबह पता कर लीजिए। सुबह? मुझे कार अभी चाहिए, अभी के अभी। मैंने कह दिया ना मेरे पास नहीं है, सॉरी। यहाँ कोई और जगह है जहाँ पर मुझे कार मिल सकती है? नहीं, सिर्फ यही एक जगह है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसके पास तो कार होनी ही चाहिए थी। ये देखो इसके पास है। हे सुनो, मैं तुम्हारी कार ले जा रहा हूँ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? देखिए वो कार मेरी नहीं है, आप कल आ जाइए। ये झूठ बोल रहा है, मुझे पता है कि कार इसी की है। प्लीज शांत हो जाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो? ऐसा करो कि उनसे कह दो कि तुम सुबह तक निकलोगे, तुम आज रात होटल में गुजार सकते हो। ठीक कहा ना? कल मुझे आज रात काम करना पड़ेगा उस गाड़ी पे। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहानों की कमी नहीं है, उस गाड़ी को जल्द से जल्द ठीक करो और तुरंत मेरे पास आ जाओ, समझ गए? मुझे लगा था तुम्हें अच्छी तरह गाड़ी चलानी आती है। हो जाता है कभी कभी। क्या हो जाता है? अच्छा चलो ठीक है। क्या तुमने समाचार देखे? मेरी घड़ी को किसी विज्ञापन की तरह दिखाया जा रहा है। मुझे पता है, फिक्र मत करो, सब घड़ियां वैसी ही होती है, किसी से इसकी चर्चा मत करना, समझ गए? ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। जो करना है जल्दी करो। कल मिलता हूँ, जितना जल्दी हो सके मिलूंगा। हेलो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता है कभी कभी लोग चीजों के पीछे इतना ज्यादा गुम हो जाते हैं कि वो अपने सामने की खूबसूरती पर ध्यान ही नहीं दे पाते। Ora è meglio che andiamo. Ma proprio tanta fretta? Sono venuta in città per fare spese e basta. Arrivederci, signora Nolte. Arrivederci. Ecco, grazie. Arrivederci. Ecco, questa è la lista. Pensaci tu. Certo, signora Nolte. E quanto ci vorrà? Un'oretta. Carica tutto in macchina. Sì, signora. Un'ora. Il tempo di una passeggiata. Perché lei e questa città avete lo stesso nome? L'ha fondata il nonno di mio marito. Ah. E, sì, e le ha dato il suo nome, come Alessandro il Grande ha fatto con Alessandria. Siamo una grande famiglia. In Canada bastano due generazioni per creare un'aristocrazia. Sono nata in Francia, ma siamo emigrati dalla Russia. Mia madre era imparentata con il principe Yusupov, quello che ha ucciso Rasputin. Poi scoppiò la rivoluzione e i miei fuggirono in Francia e da allora tutto andò sempre di male in peggio. Sì, è bello appartenere a una vecchia famiglia.
Adesso sembra tutto così remoto e incredibile in questo stupendo paese che non è passato. Che ore sono? Le 4. Una principessa. Qui sono la moglie di Fred Norton. Nient'altro. È una buona moglie. E come mai una donna come lei è finita in un posto così? Ero venuta in cerca di fortuna. Come tanti altri, e sono finita in galera. In galera? Sì, ma per errore. È stato il più grosso errore giudiziario nella storia canadese. Poi ho incontrato Fred, una cara persona. Mi ha dato una casa, la serenità e tanta tenerezza. Lei è mai stato in prigione? È un'esperienza che mi manca. Ha la faccia di uno che ne ha viste tante. Sì, tante, ma una sempre peggio dell'altra. Ho tentato di fare il pilota di auto da corsa. E sono finito a fare l'acrobata del volante in un circo. Che poi è fallito. Oh, mi dispiace. क्या तुम कार को दो पहियों पे चला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? बस तरीका पता होना चाहिए। चलाओ ना, मुझे देखना है कैसा लगता है। मुझे खुशी होती, पर मैं ये फ्रेड को जरूर सिखा दूंगा। हमें उसकी कार के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तुम फ्रेड की फिक्र मत करो, करके दिखाओ। ओह, ये अल्बर्ट और एमिली है, ये लोग घूमने निकले हैं। मुझे बुरा लग रहा है, सच बोलना, मैंने आपको डरा दिया ना? देख लेना, ऐसे ही किसी दिन ये मजाक तुम्हारी जान ले सकता है। मैं भी इसे यही कहती रहती हूँ कि ये सायरन इमरजेंसी के लिए है। सच में इमरजेंसी है? क्या आप एमिली को घर ले जाएंगी? तुम क्यों नहीं ले जा सकते? मुझे हेडक्वार्टर से कॉल आया है। कहीं तुम उसे ढूंढ कर मारने तो नहीं वाले? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब बहुत अच्छे है यहाँ। मुझे लगता है शायद मुझसे तुम रास्तों के कुत्तों का पीछा करवाना चाहते हो। रात को मिलता हूं उसी जगह। तुम अल्बर्ट से शादी क्यों नहीं कर लेती? वो वाकई बहुत अच्छा है। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं आपकी मदद करूं? थैंक यू। फ्रेड से कहकर एक कमरा ले लो। ठीक है। बहुत बढ़िया मिशेल। क्या मतलब? तुम उसे वापस ले आई? उसे कार नहीं मिली इसलिए। बेवकूफ मत बनाओ, अगर तुम चाहती तो दिलवा सकती थी। वो उनमें से एक ही है ना? किन में से एक? वो अपराधी है। 6 फीट से थोड़ा ज्यादा, 180 पाउंड्स, काले बाल, और वो भी सीमा पार जाना चाहता है। फिर यहां क्यों है? क्योंकि यहां की जो सीमा है उस पर जांच नहीं होती है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और जाना कि ये जो तुम्हारा दोस्त है वो दो अपराधियों में से एक है। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि पुलिस को जानकारी देनी है और $10,000 इनाम लेना है। लगता है तुम आजकल बहुत टीवी देख रहे हो, ये सब असली जिंदगी में नहीं होता। हाँ, असली जिंदगी में नहीं होता है। $10,000, हम कहीं भी जा सकते हैं, तुम फ्रेड को छोड़ भी सकती हो। चुप रहो। कहो तो मैं कॉल करूं? नहीं, वो बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों?
क्या तुम सब कुछ अकेले रखना चाहती हो? हम दोनों साथ हैं, हम अमीर हो जाएंगे। क्या सोच रही हो? मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ, मैंने उसकी कार चेक की है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। शायद कार कल तक मिलेगी ही नहीं उसे। उसका ध्यान रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। पढ़ा कि लोकल पुलिस अथॉरिटीज ने क्या लिखा है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? गुड इवनिंग। हाय। बाहर बहुत ठंड होगी शायद। फ्रेड, मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए, क्या मैं जाकर खुद ले सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, जो चाहो ले लो। ओके थैंक्स। क्या लेना पसंद करोगे? स्कॉच बर्फ के साथ। सिर्फ एक ही ठीक है ना, तुम्हें अभी शहर की तरफ भी जाना है। तुम हमेशा ये सब करती हो। तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूंगी ना। हे, अगर मैं मालदीव्स गया तो तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ क्या? मैं ये ले सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं। मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे अब जाकर सोना ही चाहिए। क्या मैं सुबह तुम्हें भी उठा दूँ? नहीं नहीं नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हे फ्रेड, स्कोर क्या हुआ? तुम्हें सुबह तक गाड़ी तैयार करनी है। जब तक ठीक नहीं होगी मैं नहीं सोऊंगा, पर मैंने कहा है कि उसके अलग से पैसे लगेंगे। पैसों की फिक्र मत करो, बस मेरी कार के बारे में सोचो। मुझे लगता है हीरे दूसरे चोर के पास है। मैंने सब कुछ छान मारा है। शायद वो इसके पास ही है। हाँ? अगर उसके पास हुए तो पता चल जाएगा। ये सब छोड़ो और मेरा प्लान ध्यान से सुनो। क्या तुम मुझसे डरते हो? तुम उसकी पिस्टल पर ध्यान रखो और मैं उस पर ध्यान रखूंगा। Sei stanca, eh? Sì, un po'. Sei stata via un bel pezzo oggi. A proposito, che tipo è quell'americano? Simpatico, direi. Mi ha raccontato un sacco di cose divertenti. E Stanis non aveva un'auto? Ne avevano già noleggiate tutte. Gli hanno detto di ripassare domattina. Sei molto cara. E io sarò sempre al tuo fianco. Lo so. Malgrado tutto. Te ne sono molto grata.
Mi manca molto il tuo amore. Chi è? Michel. Ecco, subito. मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? नहीं। मैं चाहता हूं पर मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता। मिशेल मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, विश्वास करो। फिर तुम मुझे जहां बोलोगी मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसे भी होंगे। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे मत छू।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं, हम लोग ड्यूटी पर हैं। शहर और सीमा के बीच सारे इलाकों में छानबीन चल रही है उन दो अपराधियों को ढूंढने के लिए जिन्होंने दुकान में चोरी की। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? धन्यवाद फ्रेड। आपके यहाँ कुछ नए ग्राहक आए हैं? हाँ, कल ही एक ग्राहक अमेरिका से आया है, शायद वो अपने कमरे में होगा। अमेरिकी? हाँ। ठीक है, चलो उससे पूछताछ करते हैं। सर, मैंने कल खबर देखी थी, वैसा लगता नहीं मुझे कि ये लोग हैं। वो मैं देख लूंगा। पुलिस, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। हाँ, खोल रहा हूं। लो, खुल गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह क्या हम आपका पासपोर्ट देख सकते हैं? यहां कैसे, बताइए। मैं अभी जेल से निकला हूं, मॉन्ट्रियल से। 6 महीने गुजारे मैंने कार चोरी के लिए। मुझ पर चोरी का गलत इल्जाम लगाया गया था, पर मैं क्या कर सकता था। मैं निपोर्ट जा रहा था तब मेरी कार खराब हो गई। आपको जेल से कब छोड़ा उन्होंने? कल। पर क्यों? कपड़े पहन लो और चलो हमारे साथ। मुझे यह जानना है कि मिशेल के पास ही क्यों रुके तुम? बाहर जाने के और भी रास्ते हैं यहां से, तो तुमने यही रास्ता क्यों चुना? उम्मीद है सच सच बताओगे। खुली हवा के लिए मैंने जेल के अंदर 6 महीने गुजारे हैं। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक हो। जेल के अंदर काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैं तुम्हारी गाड़ी की छानबीन करने आया हूं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो मेरे दोस्त की है। वो भी अमेरिकी है? क्या नाम है उसका? गाड़ी के कागजात देख लीजिए, कार गैराज में खड़ी है। अच्छा, वही करने वाले हैं हम। चलो फ्लॉयड, खड़े हो जाओ। अल्बर्ट, हेडक्वार्टर्स में फोन करके बता दो कि हमें कोई मिला है, मैं इस पर नजर रखता हूं। लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? गाड़ी के अंदर ही है बाकी कागजात के साथ। ले आओ उन्हें और चालाकी करने की कोशिश मत करना। बताओ, गाड़ी ठीक हो गई है? नहीं, अभी 1 घंटा और लगेगा शायद। कोई जल्दी नहीं है, हम इसे बंद करने वाले हैं। देखो, तुम ये नहीं कर सकते। अगर हमें कामयाबी मिली तो हम करेंगे। या चलो पेपर्स दो। सुनो जॉर्ज, जरा इधर आना जल्दी। ओके, आता हूं। होल्ड कीजिए जॉर्ज, हमारा काम खत्म हुआ। मुझे अभी खबर आई है कि वो दोनों पकड़े गए। क्या तुमने इस बात की पुष्टि कर ली? हाँ, उन्होंने यही कहा है। गलतियां तो आपने भी की होंगी, नहीं की क्या? आपको मेरा लाइसेंस चाहिए था। तुम सिर्फ आज सीमा पार जाने की तैयारी करो। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सब बाद में करना। पर ये काम मुझे अभी करने के लिए कहा गया है। देखिए, मुझे जल्दी से तैयार होना है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे न्यूपोर्ट जाना है। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया।
हे, मैंने अभी गाड़ी चला के नहीं देखी, बाद में देखना। मुझे कैसे पता चलेगा ठीक हुई है या नहीं? पर ए, सुनो तो सही, मेरे पैसे नहीं दिए अभी तक। ये लो। फ्लॉयड, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वो मुझे दे दो। क्या दे दूं? मेरी वो बेल्ट। सुनो, पिस्तौल दूर रखो। पैसों वाली बेल्ट। देखो, मुझे सच में नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम बहुत चालाक हो, मगर मुझसे नहीं बच सकती हो। मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो बस शहर की तरफ जा रही थी बियर और ड्रिंक्स लेने। प्लीज पिस्तौल को नीचे रखो। तो ठीक है, उस तरफ बैठो। रुक जाओ फ्लॉयड। तुम सच में ही उन चोरों में से एक हो। तुम ही हो वो जो उसे ले सकती हो। उस बेल्ट में मेरे पास करोड़ों के हीरे थे। मिशेल, मिशेल कहां है वो? क्या वो होटल में है? ठीक है, हम वापस चलते हैं। मुझे कैसे पता होगा तुम्हारे हीरो के बारे में? कोई और नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि तुम मुझे सच्चाई बता दोगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ हाँ, मुझे लगा मुझे कोई मिला जो फिक्र करता है मेरी। होटल वापस जाओ। अगर कोई चलाकी की तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम्हें डर लगता है तो भूल जाओ, मुझे नहीं चाहिए $10,000। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम बस चले जाओ यहां से। मैं सच कह रहा हूं, कोई चलाकी मत करना। क्या हुआ तुम इतनी जल्दी आ गए? तुमने गाड़ी में जो शॉकर डाला है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है। खुद को मैकेनिक कहते हो ना? मैंने तुम्हें बहुत पैसे दिए, उसे ठीक करो। हे मिशेल, एक मिनट यहां आओ। ओ, माफ कीजिएगा। तुम मुझे धोखा दे रही हो, बताओ सच सच कि वो हीरे कहां है? आप कर लीजिए। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, क्या बकवास है? प्रॉब्लम है?
ये सब होता है, मेरी कार अभी तक ठीक नहीं हुई है। लगता है आप बहुत जल्दी जाना चाहते हैं अमेरिका। कनाडा पसंद नहीं आया आपको, है ना? हाँ मुझे पसंद है। इस मौसम में झील बहुत सुंदर लगती है, पेड़ों के साथ इतने सारे रंग चमकते रहते हैं। मुझे लगा तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है। मैं वो सब तभी कहती हूँ जब मिशेल आसपास होती है। वो हमेशा शिकायत करती है बजाय भगवान को शुक्रिया कहने की, क्योंकि उन्होंने उसे फ्रेड से मिलवाया। तुमने उसे बचा लिया। बचा लिया? पर कैसे? मेरा मतलब, तुम्हारे आने से पहले वो बहुत उदास रहती थी, पर अब बहुत खुश रहती है। कैसे? अब मेरा मतलब, वो क्या कर रही है? मुझे इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। दूर तक की तो सोचो ही मत। ये तार देख रही हो? तार छूते ही धमाका होगा और वो सीधा ऊपर जाएगा। उसके बाद हम पीछा करेंगे और हीरे ले लेंगे। फिर ये जिंदगी जाने मन आसान हो जाएगी। तुम, मैं और खुशियां। पुलिस को जल्द ही पता चल जाएगा कि उनसे गलती हुई है और वो वापस आएंगे यहां उन दोनों को ढूंढने के लिए। पर उस दूसरे आदमी का क्या? अगर हीरे सच में यहां हैं तो वो तो हमारे हाथ लग ही जाएंगे। ये सब बहुत खतरनाक है मिशेल, पर अगर हमने ये कर लिया तो समझ लो सारी जिंदगी ऐश करेंगे। बस ध्यान रहे कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। छोड़ दो इसे, मैं साफ कर दूंगी। मिशेल, उसे कोई और नहीं ले सकता। फ्लॉयड, अगर मैंने हीरे चुराए होते तो मैं यहाँ इंतजार क्यों करती? कनाडा बहुत बड़ी जगह है और तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते। जब फ्रेड मुझे यहाँ लेकर आया था तब सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम शांत, सुनहरा, सबसे अच्छी जगह मेरे लिए। मुझे लगा तुम कोई राजकुमारी हो। पर अब तो वो सच अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। हीरे कहाँ है? मुझे दे दो, फिर मैं सोचूंगा। मिशेल, बेचारी मिशेल। जैक, मैं तुम्हारे लिए बियर लाई हूँ। जैक, मदद करो, कोई तो यहाँ आओ, देखो ये क्या हो गया। मेरी गाड़ी का शॉकर ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर वापस आया। मैंने बहुत सारे पैसे भी दिए। तुम्हें क्या लगता है अल्बर्ट, क्या वो जैक ठीक से लगाए बिना काम करने की बेवकूफी कर सकता है? कह नहीं सकते कुछ, हो सकता है जल्दबाजी में शायद वो ठीक से ना लगा पाया हो। वो हमेशा ऐसा ही करता था, ट्रक के नीचे भी। मैंने उसे कई बार समझाया था पर जैक कभी किसी की नहीं सुनता था। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी गाड़ी चेक करनी है मुझे। मुझे आज रात कनाडा से बाहर जाना है, क्या मुझे रोका जाएगा? हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मिशेल, रास्ता साफ हो गया। ये लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, चलो जल्दी से कमरा साफ करो। चलो अब रोना बंद करो लड़कियों, चलो अब चलते हैं।
हाँ ठीक है, आओ तुम भी चलो, कुछ खाते हैं उसके बाद काम पर लगते हैं। Miriam, sì? Miriam, è mezz'ora che ti cerco, perché sparisci appena c'è un po' da fare? La signora mi aveva chiesto la scatola del cucito. Del cucito? Ma se non sa nemmeno come è fatto un ago. E che ne so io, quello che mi dicono fa. E allora rifai i letti, svelta. Scusa se ti disturbo, Michelle, ma dovresti dare una mano anche tu. Io e Miriam non ce la facciamo. Vorrei restare sola. Capisco che stai soffrendo per Jacques, ma sarebbe giusto che qualche volta pensassi anche a tuo marito. Scendo appena mi sento meglio. No, mi dispiace signore, non c'è. È partito. Partito? Sì, è andato via. Ma quando? Saranno 3 o 4 ore. Vuole lasciare un messaggio? No, nessun messaggio. L'unico qui in paese che affitta macchine è un certo Stanis, all'inizio della strada. Da quella parte? Da quella parte, sì. Ah, e dove c'è il distributore? Sì, il distributore è un piccolo garage sul retro. Ah. Grazie molto. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Michelle, sono io. Apri, per favore. Che vuoi? Solo dirti addio. Li hai ritrovati? No, ma ci ho rinunciato ormai. Non posso più aspettare. Devo lasciare il Canada subito. Fammi venire con te. Non ti conviene. Che te ne fai di un ex carcerato che sa solo guidare una macchina? E che è così stupido da perdere l'unica occasione di fare un po' di soldi. Resta con Fred. Sarà noioso, ma lui avrà cura di te. Io, Floyd. Li ho presi io. मैंने चुराया नहीं, बल्कि संभाल के रखे हैं वो। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देना चाहती। मिशेल, अपना सामान तैयार कर लो। बिल पे कर देना ताकि उसे शक ना हो। मैं तुम्हें गैरेज में मिलती हूं। हाँ ठीक है। और तुम्हारा साथी? उसकी फिक्र मत करो, हम सब बांट चुके हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा हिस्सा तुम्हारे पास है, तुम उसे मुझे दे दो, यही बेहतर होगा। बॉर्डर पार करने से पहले तक मेरे पास वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है।
जरा रुको, तकरीबन 6 फीट 3 इंच, एक जैकेट। हाँ, एक आदमी कल आया था सुबह कार लेने के लिए, लेकिन मेरे पास कार नहीं थी। मैंने उसे आ जाने के लिए कहा था, लेकिन वो आज नहीं आया। शायद उसे कहीं और से कार मिल गई होगी। और कहाँ से मिल सकती उसे? इस इलाके में सिर्फ तुम ही हो जो कार किराए पर देते हो। हाँ, पर शायद उसने कहीं से चुरा ली होगी। दरअसल वो बहुत जल्दबाजी में था, न्यूपोर्ट जाने की बात कर रहा था। आप होटल जाकर पता कीजिए। मिशेल लेकर आई थी उसे। उसे हमेशा हैंडसम लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद है, समझ गए ना? आप होटल चले जाइए। कौन सा होटल? क्या मिशेल भी तुम्हारे साथ जा रही है? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, जिस रोमांच की वो अपेक्षा कर रही है, उसके लिए वो भावनात्मक रूप से इतनी स्थिर नहीं है। उसे वो चाहिए जो मैं उसे दे सकता हूं। मिस्टर नॉर्टन, मैं यहां पर बिल भरने आया हूं। वो बहुत सपनों में जीती है, उसे पता नहीं चलता कि क्या सच है और क्या दिखावा। बड़ी अजीब है। मुझे तुम्हें उसके शाही घराने के बारे में बताना चाहिए था। मिस्टर नॉर्टन, देखिए, मुझे जल्दी जाना है। उसके पिता मॉन्ट्रियल में एक बेकरी चलाते थे। उसके पापा बहुत ही सख्त आदमी थे। मिशेल कभी भी कनाडा से बाहर नहीं गई। सुनो, मुझे तुम में और तुम्हारी पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेचैन रहती है, बहुत ही बेचैन, और वो बहुत ज्यादा कल्पनाशील है, जो कि उसे कई बार मुसीबत में डाल देता है। वो यहां पर बहुत ही खुश है, हालांकि कभी वो यह जताती नहीं है। वो कुछ भी कहती है, इसका मतलब यह नहीं कि वो कहीं जाना चाहती है। अगर वो कहीं गई तो ऐसे डर जाएगी जैसे कि किसी 3 साल के बच्चे को अगवा कर लिया हो। सुनो, मुझे कैसे भी आज रात कनाडा से बाहर जाना है। एक बार तो उसने यह मान लिया था कि उसने वो अपराध किया है जो उसने अखबार में पढ़ा था। उसे रोमांच चाहिए होता है, इस बात के लिए उस पर कौन इल्जाम लगाएगा? तुम मेरे बिना ही जा रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ कार को चेक कर रहा था। तुमने सब कुछ रख लिया ना? सब कुछ तो रूम में है। हीरे मुझे दे दो। यहां से निकलने से पहले हीरे मुझे मेरे पास चाहिए। बॉर्डर क्रॉस करने के पहले मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम कहां जा रहे हो फ्लॉयड? मैं शहर के बाहर जा रहा हूं मिशेल। मैं यहां नहीं मिलूंगी जब तुम वापस आओगे। शायद तुम्हारे पति ने तुम्हें सही पहचाना। वो सही है, तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, शायद हूं मैं। गुड बाय फ्लॉयड। तुम्हें क्या चाहिए? जैक ने तुम्हारे कार में बॉम्ब लगाया है। वो तुम्हें मारना चाहता था। वो चाहता था हीरे उसे मिल जाए। क्या? मिशेल, भगवान के लिए झूठ बोलना बंद करो। तुम खुद ही चेक कर लो।
मुझे कभी हीरे चाहिए ही नहीं थे। क्या तुम और जैक मिले हुए थे? क्या तुमने उसे मारा? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उसे मरते देखा है, पर मैंने उसे मारा नहीं। मिशेल, अपना सामान ले जाओ, जितना जल्दी हो सके ले जाओ। मेरा साथी रास्ते में है, वो आता ही होगा। हमने बंटवारा नहीं किया था। वो एक कातिल है मिशेल, तुम्हारी समझ में आ रहा है? सब कुछ बुरे से और बदतर की तरफ जाता है। जैसा कह रहा हूं वैसा करो, जल्दी। तुम्हें देखकर खुशी हुई फ्लॉयड, वो भी इतने दिनों के बाद। मुझे भी खुशी हुई, भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए। जो क्या सच में तुम्हें खुशी हुई मेरे आने से? तुम्हें पता नहीं है, 20 मिनट पहले मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था। जो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, मैंने तुम्हारी डेस्क पे कॉल करके पूछा भी था। उन्होंने कहा कि तुम निकल चुके हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मारना चाहते हो? तैयारी तो पूरी कर रखी है तुमने। मैं कसम खाता हूं जो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चलो कार में बैठो। मैंने कहा कार में बैठो। और अब सबसे पहले तुम मुझे अपनी पिस्टल दे दो। चलो अब बताओ क्या परेशानी है? परेशानी यह है जो कि हीरे गुम गए हैं। हीरे मैंने अपने कमरे में रखे थे। क्या कर रहे हो तुम? देखो चुपचाप मेरे हीरे मुझे लाकर दे दो। तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? नहीं जो, नहीं नहीं नहीं। आज सुबह पुलिस आई थी, वो मुझे गिरफ्तार करने वाले थे, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं तुम जैसे छोटे भेड़ियों की जाल में नहीं फंस सकता। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, तुम मुझे मेरा माल वापस कर दो। मुझे वो हीरे चाहिए। ठीक है, मार दो मुझे। तुम यही कर सकते हो, मारो मुझे। मेरे बिना हीरे ढूंढने में तुम्हें बहुत मजा आएगा, मारो। और अगर मुझे नहीं मारना चाहते हो तो पिस्तौल को दूर करो, ताकि हम बात कर सकें कि क्या करना है। ए, क्या कर रहे हो? चलो। सॉरी, मिलते हैं बाद में। मेरी बात सुनो, इस होटल में 5 लोग थे, एक मर चुका है और कोई यहां से बाहर नहीं गया। मतलब हीरे यहीं कहीं होने चाहिए। हम साथ मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हारे कमरे में आता हूं, हम वहां इस बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? तुम पहले जाओ, मैं तुम पर नजर रखूंगा। और सुनो, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। और हां, हाईवे के रास्ते चलकर जाना। ठीक है जो। हाँ
बहुत अच्छी जगह है। ध्यान दीजिए सब लोग, ये कैफेटेरिया 10 बजे तक ही खुला रहेगा। यहाँ ही ना? हाँ यहाँ बैठो। क्या बात सुंदर। अरे वाह क्या बात। अरे आ जाओ आ जाओ। यहाँ देखो। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे 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 हाँ बहुत अच्छी जगह है। ये जरा हटाएंगे प्लीज, एक मिनट। मुझे लगा तुम जा चुके हो मिस्टर गैम्बिनो। ओ हाँ, मुझे कुछ याद आ गया। वो कमरा भी किसी और ने ले लिया है। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आज रात यहाँ से बाहर ही जाना है। मिरियम मेरा कमरा साफ मत करना। जी ठीक है। ये रही आपके रूम की चाबी। थैंक यू। मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, क्या मुझे कोई कमरा मिल सकता है? कोई कमरा खाली नहीं है। मैं ज्यादा पैसे दूंगा। मैंने कहा कमरा खाली नहीं है। पर कमरा दे दीजिए, मैं मरियम के साथ रुक जाऊंगी आज रात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। थैंक यू। इस तरह। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे सच बोल रहा हूं। जो झूठ बोलना बंद करो फ्लॉयड, तुम्हारी कहानी में दम नहीं है। तुम्हारे मुताबिक इन चारों में से एक ने हीरे चुराए हैं और वो चुपचाप यहां बैठा हुआ है और उसे कोई डर नहीं अपनी जान का। देखो तुम मुझे ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मैकेनिक ने मुझे मारने की कोशिश की। भाड़ में गया मैकेनिक, मुर्दे कहानियां नहीं बताते। मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता हूं। उसके कमरे की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है चलो देखते हैं उसका कमरा। रुको रुको जो, एक मिनट। जिस लड़के ने तुम्हें यह कमरा दिया है वो यहाँ के एक पुलिस वाली की दोस्त है, और इस समय वो लोग यहाँ बैठकर ड्रिंक करते हैं। जब वो यहाँ से चला जाएगा तब हम कमरे की तलाशी लेंगे। ठीक है ठीक है। Che mi dici della bionda? Che bionda? La bionda, la bionda, la padrona. Ah. Dopo sei mesi all'asciutto immagino che le sarai saltata addosso. Sì, è un gran pezzo di femmina, Joe. Ah, io ci ho provato, ma lei non mi ha filato per niente. È quella storia della polizia che dice di averci già arrestati. Mica l'ho capita. Sui giornali niente, niente. Anche qui. Mi sento puzza di bruciato. Ma se t'avessero allentato la corda al collo per beccare pure me. Noi non ci siamo mai visti, chiaro? Chiaro. Un solo sguardo fra noi e siamo fottuti. Dobbiamo stare in campana, capito? Capito. Posso riavere la pistola? Visto che non ti piace usarla, tieni. $1, grazie. Mi segue come un'ombra. डर लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने उसे सारे के सारे हीरे दे दिए तो भी वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह ग्लास खाली है, मैं भूल ही गई, मैं अभी जाकर ले आती हूँ।
मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं, अरे चिंता मत करो, मैं कमरे में जाकर इसे साफ कर लूंगा। मरियम थोड़ा पानी ले आओ। माफ कर दीजिए, मेरे जान। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम पानी ले आओ ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मरियम पानी ले आओ ना जल्दी। जब तक एल्बर्ट होटल में नहीं आता तब तक तुम इंतजार करना, फिर बस स्टॉप में जाकर बॉर्डर वाली बस में चढ़ जाना और इस बीच में उस जो से निपट लूंगा। अगर आज रात में वापस नहीं आ पाया तो तुम्हें न्यूयॉर्क जाकर इस एड्रेस पर पहुंचना होगा, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। मुझे जाना होगा इससे पहले किसी को शक हो। अरे अब ठीक है, मैंने कहा ना ठीक है, ये सूख जाएगा। आज अल्बर्ट को आने को बहुत लेट हो गया। हाँ, आता ही होगा, अभी चिल्लाता हुआ। उसे बताना मत, तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं बताऊंगी। तुम फ्रेड से बात क्यों नहीं करती? हाँ फ्रेड अच्छा है, पर मिशेल को कैसा लगेगा? तुम्हें लगता है फिक्र होगी कि शायद वो आज रात गायब होने वाली है? तुम्हारा मतलब उस अमेरिकन के साथ? सर ये साफ हो गया। सच में? हाँ शायद। वहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं, मुझे यहीं रुकना होगा। ओहो हो हो, मैं आ गया हूँ मिशेल के यहाँ। एक्सक्यूज मी मिशेल, डांस करके मजा ले रही हो? थोड़ा मजा हानिकारक नहीं होता कभी। वो एमिली कहाँ है? वहाँ पे है। एमिली हाय। हाय। डांस करोगे? बिल्कुल। फ्लॉइड इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगा हम लोग बात कर चुके हैं। मेरी बात सुनो। देखो किसी को हमारी परवाह नहीं,
तुम्हारा पुलिस वाला एक बकरी के बच्चे की तरह नाच रहा है। हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लगेगा। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। पार्टी जब खत्म हो जाए तुम आ जाना, समझ गए? हाँ जो, मैं समझ गया, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। ड्राइवर, मुझे यहाँ उतरना होगा। ठीक है। मुझे गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे देखा जाए तो यह एक बहुत अच्छी परिस्थिति है, दो लोग, शांति भी, एक आरामदायक कार, बहुत अच्छा माहौल है प्यार करने के लिए, और तुम बहुत खूबसूरत भी हो। पर आज मुझे मना करना होगा, मेरे पास समय नहीं है। मुझे वो हीरे दे दो। हीरे मेरे पास नहीं है। जानती हो, तुम्हारे जवाब से मुझे हंसी आ रही है। फ्लॉयड काफी चीजों में बेवकूफी करता है, पर कुछ मामलों में अच्छा है, खासकर औरतों के मामले में। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तुम्हें इस तरह के काम में नहीं फंसना चाहिए। चुपचाप मेरे हीरे दे दो। मेरे पास नहीं है। क्या फ्लाइट ने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे खेल खेलना पसंद नहीं?
मैंने जेल की दीवारों को देखते हुए बहुत समय बिताया है, और अब वो हीरे मेरी नई जिंदगी का सहारा है। मुझे घटिया बनने के लिए मजबूर मत करो। विश्वास करो मेरे पास नहीं तो क्या तुम अपना सामान बांधकर निकली हो अपनी दादी माँ से मिलने? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे मेरे हीरे चाहिए, मुझे हीरे चाहिए, समझ में आया तुम्हें? अपने लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ, चुपचाप मुझे मेरे हीरे दे दो। सच कह रही हूँ, मेरे पास नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे मेरे हीरे दे दो। हीरे दे दो। मिशेल, मिशेल, अब
तुम सच में चालाक हो, हमने उन्हें बेवकूफ बना दिया। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारी उस नकली कॉल ने काम किया, तुम्हारी वजह से ही हो पाया है ये। तुम हंसी क्यों? मुझे मिशेल का चेहरा देखना है जब वो अपना बेकार खिलौना खोलेगी। It wasn't true, but maybe when he touched me, there was something real, some little bit of human need or happiness. Some warmth, I guess I didn't feel. It wasn't true, but maybe I mistook that air of disregard for something so much stronger. You know I felt it so. I felt him near. I wanted him to touch me, but I couldn't ask.